करनाल के टैगोर बालनिकेतन स्कूल में अंतरिक्ष परी कल्पना चावला की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करनाल की सिटी मजिस्ट्रेट पूजा भारती ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कल्पना चावला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल राजन लांबा ने कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए बच्चों को बताया कि आज से 17 साल पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष में अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिशन पर गई थी, जिसकी तैयारियां स्कूल की ओर से संपूर्ण कर ली गई थी और उनके वापस लौटने के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, परंतु एंड वक्त पर उनका विमान क्रैश होने से दुखद निधन हो गया। उनकी याद में हर वर्ष टैगोर बालनिकेतन स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें मेधावी छात्रों को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आज इस कार्यक्रम में 10 प्रतिभावान छात्राओं को कल्पना चावला प्रतिभावान अवार्ड व 25,000 के चेक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चों ने कहा कि सभी बच्चे कल्पना चावला जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे और अपने देश और अपने माता पिता के साथ साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि कल्पना चावला टैगोर बालनिकेतन स्कूल की छात्रा रही है, जिससे प्रेरणा लेकर छात्राएं आगे बढ़ रही हैं। इस अवसर पर मेधावी छात्राओं को सम्मानित करते समय उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन, स्टाफ व बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। देखिए कल्पना चावला अंतरिक्ष परी की याद में आयोजित टैगोर बालनिकेतन स्कूल के कार्यक्रम की कुछ झलकियां। चावला जी को समर्पित डे है, क्योंकि आज से 17 साल पहले आज के दिन ही शाम को स्कूल में पूरा एक कल्चरल एक शौक खुशी का माहौल था और पूरे स्कूल के अंदर पूरे ढोल ड्रम बज रहे थे कि कुछ ही दिनों टाइम के बाद, कुछ ही मिनट्स में कल्पना चावला का जो अंतरिक्ष यान था वो लैंड करने जा रहा है। मैं उस कार्यक्रम की पूरी को लीड कर रहा था स्कूल में, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम चल रहा था कुछ ही क्षणों में एकदम वो जो एक सपना सा टूट गया और वो एक अंतरिक्ष यान जो एक सफलतापूर्वक जमीन की ओर धरती की ओर बढ़ रहा था वो टुकड़े टुकड़े हो गया और एक अंतरिक्ष परी कल्पना चावला और इस दुनिया में अपने साथियों के साथ जमीन पर धराशायी वो अंतरिक्ष हो गया। और वो दिन स्कूल में पूरे विश्व में अंतरिक्ष परी कल्पना चावला को श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाया जाता है। अर्पित करती हूँ उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और प्रिंसिपल डॉक्टर राजन लांबा का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। जैसा कि अभी एक प्यारी बच्ची जो यहाँ कंपेयरिंग कर रही है, उन्होंने एक बात कही कि शब्दों के तर्कश में कोई शब्द नहीं है जो कल्पना चावला जी के व्यक्तित्व को बता सके, उसको डिफाइन कर सके। यह बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना महान व्यक्तित्व रहा है कि कोई भी शब्द उसे पूरा नहीं कर पाता। वो एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने जो कार्य किया, न केवल इस शहर का नाम पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने इस शहर का नाम ऊंचा किया, इस स्कूल का नाम रोशन किया। आप सभी के लिए हम बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लेते हैं कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आपके बीच से ही, आपके इसी विद्यालय से एक ऐसा व्यक्तित्व निकला, ऐसी शख्सियत निकली जिसने पूरे विश्व में इस स्कूल का नाम रोशन किया। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आर गर्ल स्टूडेंट्स एंड द पर्सन हु हैज प्रेजेंटेड देम अवार्ड इज आल्सो अ लेडी, सो दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द स्कूल एज वेल एज फॉर द नेशन। थैंक यू। बारे में क्या है? सर, आज हम कल्पना चावला की 70वीं जो उनकी डेथ एनिवर्सरी वो मना रहे हैं हम अपने स्कूल में, तो हम उनको ये प्रोग्राम हम हर साल हमारे स्कूल में करते हैं जिनमें हम कल्पना चावला जी को श्रद्धांजलि देते हैं। वो 17 मिनट पहले लैंड होने से 17 मिनट पहले जब वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, तो ये हर साल हम रूप एंड कंपनी हमारे स्कूल में आती है एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कल्पना चावला को देने के लिए। तो कितने का चेक मिलेंगे, कितनी लड़कियों को मिलेंगे?
सर, जहाँ तक मुझे पता है हर साल ये 10 लड़कियों को मिलता है और जिसमें से हर लड़की को 25,000 मिलते हैं, तो कुल 250,000 की राशि रूपा एंड कंपनी एनडी मेहरा मेमोरियल फाउंडेशन ये प्रदान करते हैं हमारे स्कूल। किन लड़कियों को मिल दिया जाता है? जो लड़कियाँ एक्सलेंट रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में उनको। तो ये कल्पना चावला का स्कूल है यहाँ? हाँ जी, कल्पना चावला ने यहाँ पे पढ़ाई करी है। तो आप भी नासा गए थे, किस उसमें गए थे? मैं फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन, जो हर साल नासा के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गई थी। वहाँ पे 23 कंट्री से 47 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। सो मैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के बच्चों के साथ हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे मेरा 15 दिन का स्पेसशिप प्रोग्राम था। आज सम्मानित होने पर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या नाम है आपका? शीतल चौधरी। ये प्रोवाइड किया जा रहा है और इससे काफ़ी हौसला भी मिलता है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके स्कोर हमने लाए हैं और कल्पना चावला के स्कूल में पढ़ के हमें उनकी कहानियाँ बताई जाती है, तो हमें काफ़ी हौसला मिलता है कि वो कैसे अपनी लाइफ में उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो उनकी राह पे ही हम चलना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इतने अच्छा स्कोर किया। और हमें ये राशि दे के हमें एक तरह से बताया जाता है कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, और बाकी और बच्चे भी इस चीज़ से बहुत ही प्रेरित होते हैं जो और बच्चे हैं, और ये गर्ल्स को देना तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। क्या नाम आपका? अंशिका मलिक। कल्पना चावला के अवार्ड के लिए यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। हमारे एकेडमिक्स में गुड परसेंटेज के कारण हम सारे 10 बच्चियों को ये अवार्ड देते हैं। ये हर साल हमारे स्कूल की द्वारा से मिलता है। इस अवार्ड में हमें 25,000 की कैश प्राइजेस मिलते हैं। इससे हमारे सरों का हौसला भी बढ़ता है कि हम आगे आगे और बढ़िया करें अपने स्कूल के लिए। ये स्कूल के टीचर्स ने हमें बहुत साथ दिया इस परसेंटेज में लाने के लिए, तो यही कहना चाहूँगी कि सारे स्कूल को ऐसा करना चाहिए कि इससे बच्चे बहुत इनकरेज होते हैं ताकि अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। प्रेरणा मिलती है कि हमें भी आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। ये अभी जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें इससे ज़्यादा बहुत ऊपर जाना है, अपनी एक पहचान बनानी है अपनी लाइफ के अंदर। जो ये अवार्ड मिल रहा है 25,000 ईच बच्चे को, ये हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। इससे ये छोटी छोटी अचीवमेंट हमारी लाइफ में बहुत कुछ मैटर करती हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है 25,000 हर बच्चे को, ये हर स्कूल में दिया जाना चाहिए। इससे बच्चा बहुत इंकरेज होता है, उसे लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अचीवमेंट लेके। थैंक यू सो मच। तभी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि जो मेधावी छात्राएं हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। तो यह एक बहुत ही गर्व का विषय हमारे लिए, और हमें ऐसी महान शख्सियत से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं चाहती हूं कि आगे चलकर इस विद्यालय से, ना केवल इस विद्यालय से बल्कि हमारे देश से और भी कल्पना चावला निकले। तो आप देख सकते हैं इस समय जो स्कूल के JBD बैंक्वेट्स लाए हैं, इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.